अगेन वही बात है कि हेट वॉज एक्सपेक्टेड बट बहुत मतलब माँ बहन की गानियाँ पड़ी हैं मुझे मुझे लोगों ने मेरे फीचर्स पे बात की है लाइक माई फेशियल फीचर्स और मतलब दॉ अपसेटिंग फॉर मीम वो मुझे बुरा लगा कि यार मतलब ये क्या बात किया आपने बट यू हैव टू विथ एक मैं आप सीख रहा हूँ और मैंने यही कहा कि चलो खैर ऑल आई डू इज़ के यार खैर है अल्लाह तला गाइड दें

दयाबस uh, उस टाइम पे उन्होंने मुझे थिएटर से उठाया हुआ था हम टीवी वालों ने सो uh, so, मेरी आप ही द जीएम ऑफ सेवन स्काई जियो की जो है मेरी आप ही ने मेरा सेवन वो देखा होता था संगे ठीक है ठीक है रोल इस तरह आया कि अच्छा मुझे ये जो लोग कहते रहे यू हैव टू दिस इज समथिंग आई लाइक टू टेल द ऑडियंस यू लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि हम कैसे एक्टर बने ये वो mm -hmm. देखें दुनिया की जो अप्रोच है ना कि आपको लोगों की एक लॉबी में घुसना है ये करना है आई विद यू विल नेवर फाइंड मी इन शो बिज सेटिंग नॉट बिकॉज यू नो मेरे में आंकड़े यू भी है आई जस्ट जिस नॉट माई वाइफ यू नो इफ आई एम नॉट इंजॉइंग इन्जॉइंग माई सेल्फ आई एंड अगे इसका ये मतलब है। नहीं है कि वो लोग बुरे इट्स जस्ट नॉट माई वाइफ राइट सो मैंने कभी नहीं किया कि मैं लोगों के पास गया कि जी मुझे काम दे दें मुझे काम दे दे जब मैं नया नया था मैंने किया और मुझे बहुत बुरा लगा hmm. कि यार आप मुझे तीन तीन चार चार घंटे अपने ऑफिस के बाहर बुला रहे हैं उसके बाद हाँ हफ हाँ, फिटे करके आप मुझे फारि करें hmm. तो मुझे वो बुरा लगता था कि यार क्या फ़ायदा है आई एम ऑलवेज बिलीव कर देंगे एवरी थिंग इज रिटन माई अल्लाह तइट जो मेरा रिस्क है वो रिटर्न नाउ दिस इज वेर आई वो ये ना कि आपकी जिंदगी में अल्लाह ती आपको दिखाता है के मेरा पहला ड्रामा ऑलमोस्ट लाइक सेवन ईयर्स अगो वो इनकी जी ने देखा हुआ कोई ऐसा मैंने काम नहीं किया सेवन स्काई के साथ और जब ये मलिक जुबैर और अनस के कैरेक्टर आए हैं mm -hmm. तो मेरी आप ही को याद है कि यार ये उस लड़के से कराते हैं क्योंकि उस टाइम पे भी इसने ऐसा किया था okay. और मैं बिल्कुल नया था लाइक like, एक्टिंग तो मुझे mm -hmm. हमेशा से आती है ना बट देर इज अ बिग डिफ्रेंस बिटवीन अंडरस्टैंडिंग हाउ द कैमरा वर्क एंड हाउ थिएटर वर्क विच आई फील लाइक के आई हेव गॉटन बेटर इन टाइम

कैरेक्टर आया कैरेक्टर आया कैरेक्टर आया वॉज दिस वॉज लाइक अ वेरी टफ टाइम इन माय लाइफ द पास्ट वन एंड हाफ ईयर वाज़ प्रॉब्ली द लोस्ट पॉइंट इन माय लाइफ मेंटली फिजिकली इमोशनली आई वॉज लाइक यू नो आई वु एट रॉक बॉटम एंड इट वुड गेट वर्स एंड आई वुक वाटर एंड इट वुट वर्स ये चार पाँच दफा होंगे अल्लाह like, तम सॉरी मैं बोलूंगा ही नहीं अभी <laughs> और ये yeah. आया और वही बात है कि उस वक्त आई डिड इट बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दैट वीट हेट स्पेस

इस तरीके से मुझे मिलना mm -hmm. ये परफॉर्मेंस ही करना ये सब एक अल्लाह का एहसान है मेरे पे सो आई शुड बी लाइक हाँ 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 आई एम नॉट वन ऑफ दिस पीपल आई यूज टू बी बट वो ये कि ग्रोथ मैच्योरिटी के यार अंडरस्टैंड दैट एवरी थिंग इज रिटेन So, वो ये कि ग्रेटफुल वाला अल्लाह ताला। बट आपने मेहनत की थी तो obviously, वो आपको उसका सिला मिला चाहे थोड़ी सी देर से मिला। obviously. so, written होने के साथ से जरूरी है कि काम भी मैंने नहीं, 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 आप करते रहे। नहीं, 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 मैंने तो आपने आपने करनी है 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 आई फील कि ये जो आपने बात बोली है, वो इतनी आपका दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी करने को एंड यू वर डाउन बट ये जो चीज थी ना कि आप गए आपने स्क्रिप्ट ले लिया ये एक स्ट्रगल होती है जो आपने किया सोट होते देखे आपने तो प्रोफेशनल होना है ना क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं सही है आपकी वो जो हमारे यहाँ ये नहीं होता कि किसी का वो लग गया छक्का लग गया किसी का जुगाड़ लगा हुआ है किसी का क्या लगा हुआ है आई फील लाइक जो भी लगा हुआ है एट द एंड ऑफ द डे इट इज रिटर्न फॉर यू दैट इज योर टेस्ट अब आप अपने काम के साथ कितनी सिंसियर है दैट इज ऑल्सो योर टेस्ट ना ब्रिलियंट शो विच इज सो वेल नाउ द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू पुट टू दैट